अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो चलिए जी, अभी तो सब अपनी अपनी नॉर्मल रूटीन में आ चुके हैं और अब यूज्ड भी हो गए हैं हम रमज़ान के बाद। तो यहाँ पे देखिए, मेरी नॉर्मल रूटीन जो है, बच्चे जैसा स्कूल चले जाते हैं तो फिर नाश्ता के लिए मैं आ जाती हूँ नाश्ते के लिए, और हस्बैंड भी घर में हैं अभी, उनकी जो जॉब से ऑफ है उनकी उनकी होता ये है कि ना उनको 1 वीक जो है उनको डे शिफ्ट होती है, उनकी 3 डेज़ और 1 वीक नाइट शिफ्ट होती है, और उसके बाद स्ट्रेट 7 डेज़ ऑफ होता है। तो यहाँ पे हस्बैंड भी घर पे थे, तो यहाँ पे मैंने जो है नाश्ता बना लिया था हमारे लिए। और मैंने क्या बनाया यहाँ पे, मैंने बनाए पराठे और उसके साथ मैंने थोड़े से आलू फ्राई कर दिए, और हस्बैंड के लिए चाय। अच्छा, यहाँ पे मैंने हस्बैंड को कहा था कि आज हम एक प्लेट में खाएंगे, हम अलग-अलग प्लेट में नहीं खाएंगे। तो हस्बैंड कह रहे थे कि वो क्यों, मैंने उनको कहा कि मैंने सुना है कि एक प्लेट में खाने से प्यार बढ़ता है। क्या मैंने सही कहा है, क्या सही सुना है, आप मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। और इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे लॉन्ड्री करने के लिए। काफ़ी टाइम से मेरे पास लॉन्ड्री हुई नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि ना आपको बैठ के सारे जो है कपड़े धोने होते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है। बहुत यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी होता है, बस आप लॉन्ड्री लें, डाल दें, आपकी लॉन्ड्री हो जाएगी, उसके बाद आप ड्रायर में डाल दें, वो ड्रायर में भी वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा, श्रिंकलेस ड्राई होगा। तो ये सारा कुछ बहुत इजी मेथड होता है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि ना ये लॉन्ड्री करना भी बहुत बड़ा काम लगता है, जैसा कि मैं बैठ के खुद धो रही हूँ सारे कपड़े। तो आप भी मुझे बताएं कि आपके आपको भी ऐसा लगता है मेरे जैसा? जो अब आप ये मत कहें कि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ, भाई मैं लेज़ी नहीं हूँ, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है। तो इसके बाद हो गया था ज़ोहर का टाइम, और मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी सी कुरान शरीफ की तिलावत भी कर ली यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको ईद के टाइम मेरी मेहंदी का कलर नहीं बताया था, मैंने सिर्फ 2 घंटे में निकाल दी थी मेहंदी। तो देखिए कलर ऐसा आया, ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं आया, शायद मैं अगर थोड़ी देर और ज़्यादा रखती तो कलर अच्छा आ जाता। और इसके बाद हो गया था लंच का टाइम, यानी कि बच्चे आने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर मैं जो है मैं बना रही हूँ ये जो है अंबाड़ी की चटनी, इसे कहते हैं साउथ इंडिया में, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको गुंगुरा कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे मैंने इसको सिंपल सा, इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च, नमक, हल्दी और थोड़े से लहसुन डाल के इसको मैंने अच्छी तरीके से यानी बॉईल कर लिया था, और ये उसके बाद इसको मैं स्मैशर से स्मैश करूँगी। और यहाँ पे लगेगा इसका बघार, जिसमें मैंने ऑयल डाल दिया था, थोड़े से राई, थोड़ा सा ज़ीरा, ये ड्राई रेड चिलीज़ जो आप देख रहे हैं ये मैंने ऐड कर दिए थे, और लहसुन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लहसुन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून फुल भर के जो है धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। धनिया आप थोड़ा सा ज़्यादा रखें एक्चुअली, ज़ीरा थोड़ा सा कम रहा तो भी चलेगा, लेकिन धनिया थोड़ा सा ज़्यादा रखें। और आपने ये जो अंबाड़े का जो आपने स्मैश करके उसको मिक्सचर जो बनाया है उसका, वो इसमें शामिल कर दें, और आप ये खाएं वाइट राइस के साथ, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये कबाब है, जैसा मैंने आपको कहा कबाब और कबाब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये जो कबाब है, हम नॉर्मल जो मीट लेते हैं उससे उसके ऊपर हम नमक, मिर्ची, अदरक, लहसुन डाल के इसको सुखाते हैं, तो ये उससे ये बन जाता है, यानी अच्छा सा ड्राई होना होता है इसको, उससे बनता है ये, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ईद में अगर आपके पास गोश्त ज़्यादा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, तो आप ये ज़रूर बना के रखें। ये हैदराबाद में तो ज़रूर बनता है, मुझे नहीं पता कि दूसरे पार्ट्स में बनता है या नहीं, लेकिन हैदराबाद में ये कबाब ज़रूर बनाते हैं। और हैदराबाद में आप हर घर में आपको ये मिल जाएंगे कबाब, स्पेशली बकरीद के टाइम पे हर घर में ये बनता है, और नॉर्मली भी बनता है, और जो अक्सर बाहर रहते हैं वो हमेशा ये बना कर ले जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको ऑयल गरम करना होता है और उसमें ये कबाब डाल दें और इसको गोल्डन फ्राई करें, बहुत टेस्टी। तो आप इसको किसी के साथ भी खा सकते हो, जैसा कि टमाटर की चटनी, चावल बना लिया आपने और इसके साथ ये कबाब यूज़ कर सकते हो, या खट्टी दाल के साथ कर सकते हो, या जैसा मैंने अभी बनाया अंबाड़े की चटनी, इसके साथ यूज़ कर सकते हो, बहुत टेस्टी होता है, आप ज़रूर ट्राई करें। और इसके साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा मटन जो है वो फ्राई करूँगी, और ये मटन जो है ये हैदराबादी स्टाइल मैं फ्राई करूँगी यहाँ पे। तो बस मटन को मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, और उसके बाद मैंने एक पैन में डाल के इसको अच्छे से इसका पानी जो है वो ड्राई कर लिया था, और इसके बाद इसमें जाएंगे हरी मिर्च, और थोड़े से मैंने यहाँ पे ग्रीन पेपर्स भी डाल दिया था, पुदीना, धनिया, और साथ में जाएंगे करी लीव्स। तो आप करी लीव्स भी ज़रूर डालें, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और पुदीने से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप लोग के पास भी ऐसा होता है, मटन फ्राई करते हैं या कोई चटनी बनती है उसके साथ कबाब जाते हैं, ऐसे कोई डिशेस होते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएं।
यहाँ पे मैंने वाइट चावल, जैसा कि मैंने आपको बताया, वाइट चावल, अंबाड़ी की चटनी, थोड़ा सा गोश्त और थोड़े से कबाब। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर खाएं, बहुत ही टेस्टी होता है। ये जो घुंघरा यानी कि ये जो अंबाड़े की चटनी होती है वो थोड़ी सी खट्टी होती है, तो ये बहुत अच्छी टेस्ट करती है और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। मेरी वन ऑफ द फेवरेट है ये, और अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। मुझे पता है कि ये सिर्फ साउथ में मिलती है, मुझे नहीं पता कि ये दूसरे पार्ट्स में मिलती है या नहीं, लेकिन ये बहुत टेस्टी होती है, हर घर में ये बनती है ज़रूर। ये जो कबाब और अम्बाड़ा है ये मेरे पेरेंट्स जो है इंडिया से लेकर आए, आपने देखा होगा पार्सल में, और ये चटनी की जो रेसिपी है ये मेरे अम्मी की है, तो बहुत टेस्टी, आप ज़रूर ट्राई। और यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे घर, और इन लोग का होता है ये मस्ती करते हैं ये लोग, नमीरा, अफान, जियान, ज़्यादा तो नमीरा और अफान की, और नमीरा बहुत ज़्यादा अनॉय करती है भाइयों को। और इसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे होम डिपो। होम डिपो जो है ये बहुत बड़ी स्टोर है जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी आपके हाउस रिलेटेड, यानी कि आपको अगर कोई टाइल्स चेंज करना हो वॉशरूम के, या आपको फ्लोरिंग चेंज करनी है आपकी, या फिर इसके अलावा ड्रायर, वॉशर, और जो भी यानी कि कोई गार्डन का स्टफ हो या छोटे से स्क्रूज़ भी हो, हर चीज़ आपको ये जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ी स्टोर है, ये होम डिपो है, ये कनाडा में बहुत बड़ी स्टोर है। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, आप ये नहीं कह सकोगे कि यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है या वो अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए ये जो गार्डन होता है वहाँ पे, हम जो गार्डन आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास लगाते हैं ये वो भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो जैसा मैंने आपको कहा है कि हर चीज़ अवेलेबल होती है, और यहाँ देखिए आप स्क्रूज़, हर साइज़ के आपको स्क्रूज़ मिल जाएंगे, ये लूज़ भी होते हैं, ये आपको लूज़ नहीं चाहिए, आपको पैक्स में चाहिए तो ये फिर पैक्स में भी मिलते हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ना बॉक्स में ये। और यहाँ पे हमें भी कुछ लेना था इसीलिए हम आए थे यहाँ पे, और जो लोग कनाडा में रहते हैं उन सबको पता है होम डिपो के बारे में, ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोर है जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। और मोस्टली यूजुअली जो लोग यहाँ पे हाउसेस बिल्ड करते हैं तो उनका सारा सामान जो है वो होम डिपो से जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़, आपकी वॉशरूम, लिविंग रूम, बेडरूम, रूफ, फ्लोरिंग, हर चीज़ अवेलेबल होती है यहाँ। और इसके बाद हमें जो सामान चाहिए था हमने वो ले लिया और फिर हम निकल गए घर के लिए। ये जो है ये बहुत बड़ी स्टोर है, ये हमारे टाउन में नहीं है, इसके लिए हमें आना पड़ता है रजाइना, जो कि हमारे टाउन से 2 आवर्स की ड्राइव पे है, तो हम फिर रजाइना आए थे यहाँ पे लेने के लिए। अच्छा, आज मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी हस्बैंड से, और रीज़न क्या है कि हम जो कार चला रहे थे, मैं और नमीरा हम दोनों ही कार जो चला रहे थे, वहाँ पे अलार्म साउंड आ रहा था कि आपका विंडशील्ड जो है, विंडशील्ड वॉशर जो है वो फिनिश हो गया है, आप कृपया करके उसको फिल कर लें, यानी कि मेहरबानी करके आप उसको फिल कर लें, और ये बहुत ज़्यादा टाइम से आ रहा था, और मैं और नमीरा जो है ना हम इग्नोर कर रहे थे। रीज़न ये है कि मुझे पता नहीं है कि विंडशील्ड जाता कहाँ पे है, तो हम बस हस्बैंड का वेट कर रहे थे। तो आज हस्बैंड ने ड्राइव, वो कर रहे थे आज ड्राइव, और वो कह रहे थे कि इतने ज़्यादा अलार्म किस चीज़ के आ रहे हैं, जब उन्होंने देखा कि विंडशील्ड के, तो वो बहुत ज़्यादा खफा हुए और बहुत ज़्यादा डांट रहे थे कि ना तुमको ये भी नहीं पता है कि विंडशील्ड कहाँ जाता है, कैसा होता है, ये तो देख कर तुम डाल सकती हो। तो यहाँ पर वही चल रहा है, वो मुझे बता रहे कि ये कहाँ जाता है। अब देखो ब्लू विंडशील्ड में वॉशर को, ये है देखो, मैं ड्राइविंग तो इतने साल से करती हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है कि विंडशील्ड वॉशर जाता कहाँ पे है। तो अभी हस्बैंड बता रहे थे कि तुम और नमीरा दोनों भी ड्राइव करती हो, तुम्हें पता भी नहीं है कहाँ से विंडशील्ड वॉशर तुम डाल सकती हो और कहाँ पे जाता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कार में अलार्म आ रहा था काफ़ी टाइम से, तो आई वाज वेटिंग फॉर माय हस्बैंड के अलार्म आ रहा है कहाँ डालना है इसको विंडशील्ड वॉशर,
तो अभी हमने लिया है, तो वो बता रहे थे कि मुझे कहाँ पे डालना है। और यहाँ पे मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि मैं वॉइस ओवर ना करूँ, मैं डायरेक्ट जो ओरिजिनल बातें निकलती है जब हम जाते हैं कुछ घर, यानी हमारी जो कन्वर्सेशन होती है वो ही रखूँ अब से। तो इसीलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं करी, बस मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ इसके बारे में। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप कनाडा में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहो ना, तो विंडशील्ड वॉशर मस्ट है। और यहाँ पे जो मैंने देखा है इंडिया में या दूसरी कंट्रीज़ में वाटर यूज़ करते हैं, यहाँ पे वाटर यूज़ नहीं करते, यहाँ पे प्रॉपर जो है विंडशील्ड वॉशर ही जाता है। तो देखिए मैं तकरीबन ऑलमोस्ट मोर देन 15 ईयर्स से मैं ड्राइव कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये कहाँ जाता है और ये कैसा लगता है। तो यहाँ पे ये हस्बैंड यही बता रहे थे कि बस सिंपल। अच्छा, आप ड्राइव करते हो कार, तो आप दूसरों के ऊपर डिपेंड मत रहें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कभी बारिश हो जाती है या कभी कुछ ऐसा कुछ हो जाता है तो उसमें ये चीज़ें जानी होती है, तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मुझे नहीं है। लेकिन मैं देखिए मैं एडवाइस दे रही हूँ, लेकिन अभी मुझे पता चल गया कि जाता कहाँ से और रूट इसको कैसा लगाते कैसा खोलते। यूजुअली यहाँ पे जब हम ऑयल चेंज के लिए जाते हैं, तो ऑयल चेंज हमारा आता है 6 मंथ्स के बाद, या डिपेंड करता है इतने किलोमीटर के बाद वो लोग यहाँ पे स्टिकर लगा देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि स्टिकर वो लगाते हैं कि कब आपका ऑयल चेंज है, या आपके किलोमीटर्स पहले आ जाएं, या फिर आपका जो डेट उन्होंने दिए वो पहले आ जाएं, उस हिसाब से आपको ऑयल चेंज करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए ये जो सोल्यूशन होता है विंडशील्ड वॉशर का, ये वाकई बहुत सही होता है। बनिस्बत हम जो बैक होम में यूज़ करते हैं वाटर, उससे ये सोल्यूशन सही होता है। तो यहाँ पे ये कंट्रीज़ में यही चलता है और ये बहुत अच्छा होता है। अच्छा, हम यहाँ से जा रहे थे वापस घर, तो यहाँ पे देखिए ये आप देख रहे हो इतना बड़ा एरिया जो है ना, ये ग्रेवयार्ड है, यानी कि जो क्रिस्टन्स का होता है वो है। और ये बहुत ही बड़े उस पर है, एरिए पे कवर किया हुआ है ये सारा कुछ एरिया बड़ा सा। तो आप देख रहे होंगे कि हम जहाँ से जा रहे हैं वहाँ तक अभी तक तो ये एंड भी नहीं हुआ है। और इसके बाद मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे घर पे खाने के लिए आ जाओ, लेकिन हमने कहा था कि नहीं, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, हम नहीं आ सकते, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि ना, उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ नहीं रहे हो, तो ऐसा कैसा हो सकता है ईद के बाद आप आ रहे हो और फिर हमारे घर भी विज़िट नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने जल्दी से ये सारा कुछ पैक करके दिया और माशाल्लाह ये बहुत टेस्टी था। ये देखिए ये जो है ये प्लेन पुलाव है, और इसके साथ शीरखुरमा है, फ़िश करी है, चिकन कोरमा है साथ में, और ये श्रिम्प्स कोकोनट है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने बहुत ज़्यादा पैक करके दे दिया था और बहुत ही यमी फूड था। तो देखिए ये जो है बांग्लादेशी कुजीन है, यानी कि जो फैमिली है वो बांग्लादेश से बिलोंग करती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा यमी था। तो हम जब वापस घर आए तो मुझे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमारा जो डिनर था आज इसी से ही था, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत टेस्टी बहुत यमी फूड है। मुझे बांग्लादेशी फूड बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो बस आज का वीडियो इतना ही था, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, और आप भी बैक टू रूटीन आ गए रमज़ान के बाद या नहीं। रमज़ान तो खैर हमेशा मिस होगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट रमज़ान देखना नसीब फरमाए, आमीन। चले फिर मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।